हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन बिहार? 38। दिखाइएगा इधर कैमरा, 38 बोल रहे हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। दिखाइएगा, ये कौन क्लास में बोला था आप? ये 4 क्लास के बच्चा है। जैसा कि हमको गांव में भी आए थे, इधर तो टहलते हैं तो मिल गए बच्चा। और ये हम सरकारी में जब जाते हैं विजिट करते हैं तो वहाँ पर 7वां 8वां के बच्चे ये नहीं बता पाते हैं कि कितने राज्य हैं, कितने जिले हैं, कुछ भी नहीं बता पाते हैं। वहाँ पर खाली सिर्फ देखते हैं। तो सरकारी स्कूल के टीचर के मुँह पर तमाचा आई है कि देखिए प्राइवेट स्कूल का बच्चा इतना तेज है 4 क्लास में पढ़ने वाला, लेकिन आप लोग सैलरी लेते हैं, 40,000 का महीना लेते हैं, फिर भी नहीं पढ़ाते हैं अच्छा। तो आप लोगों को गलती है, आप लोग जल्दी से जल्दी सुधारिए, नहीं तो वरना हम लोग जैसे पत्रकार आप लोग को सुधार देंगे। क्या नाम हुआ आपका? अभिराज। पढ़ते हैं कौन सा क्लास में? 4 में। सरकारी में या प्राइवेट में? प्राइवेट। सरकारी में क्यों नहीं जाते? सरकारी यहाँ स्कूल है। हाँ, जैसा कि अभी हम नालंदा जिला में, मतलब नीतीश कुमार के गृह जिला के बेन प्रखंड के दहाघाट में, हमारे साथ एक बच्चा भी है, क्या नाम बताए थे? अभिराज। कहाँ पढ़ते हैं आप, कौन प्राइवेट स्कूल में? कैसे बोलिए थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। राधा स्वामी ग्लोबल अकेडमी। तो ये इनका ही समस्या नहीं है, ये पूरा हमारे बिहार का समस्या है। पूरा भारत तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमारा बिहार ही सबसे पीछे है। तो ये देखिए प्राइवेट में पढ़ते हैं। पापा क्या करते हैं? खेती करते हैं। और जैसा कि बहुत गरीब बच्चे होते हैं जो सरकारी में आज भी पढ़ते हैं, लेकिन सरकारी का आजकल हालत आप लोग देखते हैं कि सरकारी का हालत कैसे होता जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि पढ़ाई नहीं देते हैं, है ना, पढ़ाई नहीं देते हैं, इसलिए आप प्राइवेट में जाते हैं। अगर सरकारी में पढ़ाई होगा तो सरकारी में पढ़िएगा, है पढ़िएगा। हाँ, तो कुछ हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपसे। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि इंग्लिश से पूछें कि हिंदी में? इंग्लिश से पूछें। सबसे पहले बता दीजिए कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू, अभी हाल ही में बने। और बता दीजिए आप, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन बिहार? 38। दिखाइएगा इधर कैमरा, 38 बोल रहे हैं। और अभी वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। दिखाइएगा, ये कौन क्लास में बोला था आप? ये 4 क्लास के बच्चा है। जैसा कि हमको गांव में भी आए थे, इधर तो टहलते हैं तो मिल गए बच्चा। और ये हम सरकारी में जब जाते हैं विजिट करते हैं तो वहाँ पर 7वां 8वां के बच्चे ये नहीं बता पाते हैं कि कितने राज्य हैं, कितने जिले हैं, कुछ भी नहीं बता पाते हैं। वहाँ पर खाली सिर्फ देखते हैं। तो सरकारी स्कूल के टीचर के मुँह पर तमाचा आई है कि देखिए प्राइवेट स्कूल का बच्चा इतना तेज है 4 क्लास में पढ़ने वाला, लेकिन आप लोग सैलरी लेते हैं, 40,000 का महीना लेते हैं, फिर भी नहीं पढ़ाते हैं अच्छा। तो आप लोगों को गलती है, आप लोग जल्दी से जल्दी सुधारिए, नहीं तो वरना हम लोग जैसे पत्रकार आप लोगों को सुधार देंगे। ठीक है, आप साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।